हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था रिगार्डिंग फोर हार्मोन्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी को खुश रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा वो आर्टिकल, और मैंने अपने नोट्स में उसको सेव करके रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन, ये आर्टिकल शेयर करना चाहिए। देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी में चार टाइप के हार्मोन्स होते हैं। पहला हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन, ठीक है, नाम है एंडोर्फिन। ये हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि अगर हेल्दी बॉडी है आपकी तो फिर हेल्दी माइंड भी आपका रहता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है। सो गुड मूड के लिए एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन एक हार्मोन है जो कि हमारी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अवर बॉडी इज फुल ऑफ केमिकल्स, तो ये केमिकल है, एक हार्मोन है जो रिलीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की जब एक्सरसाइज हम करते हैं, तब उस टाइम पे ये जो हार्मोन जब रिलीज होता है, तो जो एक्सरसाइज करने का जो पेन होता है ना, उस पेन से भी उस पेन को बियर करने के लिए भी हमें हेल्प करता है ये। तो इस चीज़ को ज़रूर आप भी ऑब्जर्व करिएगा, मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जब मैं वॉक करता हूँ एटलीस्ट 30-40 मिनट्स की, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, तब रियली में मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक एनर्जी तो आती है बॉडी के अंदर, बट डेफिनेटली दैट इज़ एक्चुअली द प्ले ऑफ दिस हार्मोन विद द नेम एंडोर्फिन। नाउ दूसरा जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं डोपामिन, और ये एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी से रिलीज होता है जब हम कुछ चीज़ अकम्प्लिश करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बैड मोमेंट्स और गुड मोमेंट्स होते हैं। जब भी कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसमें हम कोई पर्टिकुलर चीज़ को अकम्प्लिश करते हैं, तब उस टाइम पे डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिससे अगेन हमारा मूड अपलिफ्ट होता है। ऑल्सो डोपामिन तब भी रिलीज होता है जब हम किसी को जब हमें अप्रिशिएशन मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप खूब सारा काम करे आ रहे हैं, खूब काम करे आ रहे हैं, और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है जो भी आपका रूटीन वर्क है, राइट। सो डोपामिन विच मीन्स कि इफ़ यू आर इनटू ए बिजनेस और ए जॉब, अगर आप अपने कलीग को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 करके एक फ्रस्ट्रेशन मोड में चले जाते हैं। दिस इज़ अ पावर ऑफ अप्रिसिएशन। आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा उनका डोपामिन रिलीज होता है। दैट इज़ अ मतलब प्ले ऑफ हार्मोन डोपामिन। तीसरा जो हार्मोन है उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। देखिए, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, बट इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बात यह है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, देखिए इससे पहले जो मैंने हार्मोन बताया था तब यह था कि जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, बट जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि अगर जब आप किसी और की हेल्प करते हो तो आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, एक अंदर से एक वो बात आती है। तो सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है, जब हम किसी और के लिए कुछ अच्छी चीज़ करते हैं तब ये हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होता है, जिससे अगेन हमारा मूड गुड मूड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको खुश रहना है ना, तो दूसरे लोगों को भी हेल्प करो, दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करो। जब आप दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, स्पेशली जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मान लीजिए सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई फ़ोटो डाली है, और जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं रियली दिल से, तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि आपने दूसरों को तो अप्रिशिएट किया, उसका डोपामिन तो रिलीज होगा ही, वो तो खुश होगा। एट द सेम टाइम दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करने में और एक तरीके से दूसरे लोगों को हेल्प करने में भी आपका खुद का भी मूड अच्छा होता है। नाउ फोर्थ जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अगेन एक थोड़ा अजीब सा नाम है ऑक्सीटोसिन, बट ये हार्मोन गुड हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे मूड को अच्छा करता है। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी से क्लोज आते हैं। आई मीन जैसे मान लीजिए आपका भाई है, आपका फ्रेंड है, और आप उसको प्यार से गले लगा लेते हैं। जैसे मुन्ना भाई MBBS, आई होप आपने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, जादू की झप्पी और जैसे वो जादू की झप्पी मारते हैं, तो जो दोनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं, वो दोनों का ही आप देखेंगे, उनके फेस से आपको पता चलेगा कि दोनों के दोनों बड़े खुश हैं। सो ये एक्चुअली हार्मोन का खेल है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। नाउ टू रिलेट इट विद डेली लाइफ, मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग आपके आसपास में होते हैं, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, या फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मतलब होता क्या है कि कभी कभी जब आप उनके सिर्फ शोल्डर पे हाथ ही रखते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, ओके,
या फिर उनको हग करते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे कि उनका मूड भी अच्छा होता है और क्योंकि आप दूसरों को अप्रिशिएट करें तो आपका भी मूड अच्छा होता है। तो देखिए, ये फोर हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, और ये फोर हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैं तो इसको बिजनेस से रिलेट करूँगा बिकॉज मैं अभी बिजनेस में हूँ। सो अगर मैं जैसे ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, तो अगर मैं बिजनेस से रिलेट करूँ तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी लाइन बोलने वाला हूँ, कि बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ बिजनेसमैन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं दिस इज इमोशनल फैक्टर। एक होता है इंटेलिजेंस फैक्टर, एक होता है इमोशनल फैक्टर, बट एज आई टोल्ड यू दैट पीपल आर इमोशनल, दीज आर दी फोर हार्मोन्स। किसी को हक करने से दूसरा आदमी खुश होता है, किसी को अप्रिशिएट करने से उसके एक अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि वो अंदर से खुश होता है। किसी को आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप भी खुश होते हैं, दूसरा आदमी भी खुश होता है। एंड आप जब एक्सरसाइज करते हैं और आप जब एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब भी आप खुश रहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं यही बोलना चाहता था कि कीप अप्रिशिएटिंग योर कलीग्स, योर बिजनेस पार्टनर्स, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड बिजनेस। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा, वीडियो को भले ही थोड़ा सा फिर से देखें, लेकिन समझिए इन फोर हार्मोन्स हमारी बॉडी जिस तरीके से काम करती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड बिजनेस। इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, नीचे आप देखिए इसी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब करके रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करेंगे ना तो तुरंत वो बोलेगा कि एक बेल टाइप का एक आइकन बन जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूंगा, हो सकता है कल परसों में मैं डालूं, जैसे मैं डालूंगा ना वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा YouTube से, तरुण अग्रवाल हैज पोस्टेड अ न्यू वीडियो ऑन हिज YouTube चैनल।